अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय नेदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? एंड आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग गुड। आज मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आया हूं ओमाना मॉल, तो चलें आपको ओमाना मॉल दिखाते हैं। और ये ओमाना मॉल की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये ओमाना मॉल का मॉडल है, आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर, जो आज तक आपको किसी ने भी किसी व्लॉग या वीडियो में नहीं दिखाया होगा। मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और मैंने इसे ऐड किया। यहाँ मैं अपने फ्रेंड्स का वेट कर रहा था और मुझे उन्होंने कहा कि वो सेकंड फ्लोर पे हैं, तो मैं यहाँ लिफ्ट से सेकंड फ्लोर पर गया और मैंने लिफ्ट से ऊपर जाते हुए ये सारा व्यू कैप्चर किया ओमाना मॉल का। और जब मैं सेकंड फ्लोर पे पहुँचा तो वो कह रहे हैं एक्चुअली हम थर्ड फ्लोर पे हैं, तो मैंने फिर एलिवेटर्स का यूज़ किया और थर्ड फ्लोर पर गए। ऊपर आने के बाद मैंने कुछ ये वीडियो बनाई और उसके बाद मुझे ये दूर से नज़र आते हुए दिखे। कैसे हैं आप? कैसे हैं? माल ढूंढने के बाद हमें यहाँ मिले, इस कॉर्नर पे ये छुपे हुए थे। चले अब इनसे वन बाय वन मिलते हैं। आप कब आए यार? जी आप सुनाएं, मैं भी ठीक ठाक। कैसे जा रहे हैं आप अपने अपने? ये ओमाना मॉल का काफ़ी फेमस ट्रैम्पोलिन पार्क है, अक्सर आप लोगों ने यहाँ टिकटॉकर्स को देखा होगा। यहाँ ये ट्रैम्पोलिन पार्क मैजिक प्लैनेट के नाम से है और ये बेसिकली एडल्ट्स के लिए। बेसिकली हमारा मूवी का प्लान था, जैसे इन भाई साहब को जम करते हुए देखा हमारा मूवी का प्लान कैंसिल हुआ और यहाँ जाने का डिसाइड हुआ। ये अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए आया था। असद आपका सेटअप कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक स्टार्ट किया, ये बड़ी अच्छी जगह जहाँ पे हम करें। बात सुन, मैं इसको टिप्स दे रहा हूँ, ये अच्छी अच्छी वीडियो बनाए। ये ना गा करके, ये पिछले जन्म में कैमरा मैन था, साथ साथ हम आपको अपडेट करते रहेंगे। गजब बेइज्जती है। मैं इन सब के बिहाफ पर कंसेंट फॉर्म कर रहा हूँ साइन, अगर इनको कुछ होता है तो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। हम अपने हालत के खुद जिम्मेदार हों, हम बचगाना हरकतें करने लगे हैं यहाँ जाकर। ये प्ले एरिया है कुछ अडल्ट का, तो आज का प्लान था कि ओमाना मॉल में जाकर इंजॉय करें। वो देखें मुझे ये देखें मैं भी इसके बगैर हमें जी ये प्ले एरिया में हम एंटर हो चुके हैं, हम करेंगे फन। डॉक्टर जरार क्या कर रहे हो यार आप? स्पाइडरमैन भाई उठा नहीं जा रहा ना उठ। चलें जी अब हमारा यहाँ फन टाइम स्टार्ट हो गया। यहाँ से हम खूब मजे कर रहे हैं। तो ये प्ले एरिया बच्चों के लिए ज्यादा सूटेबल है क्योंकि यहाँ हमारी सारी एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाती है। Thank you.
hours later. और ये सारे जानवर हैं जो चिड़ियाघर में बंद किए गए हैं, और ये चिड़ियाघर से बाहर आने का नाम नहीं ले रहे। ये हमारा मॉल का सेकंड फ्लोर है, खाने के लिए जाने लगे हैं। कुछ देखेंगे खाने के लिए क्या खाएं। एक्टिविटी के बाद काफ़ी थक चुके हैं, काफ़ी हैक्टिक था और एग्जॉस्टेड एक्टिविटी। हम इनके ये फूड गैलरी में आ चुके हैं माना मॉल में, और हमारा अब डिसाइड हो रहा है क्या खाएं क्या नहीं। ये यहाँ की सारी सीटिंग है, कुछ लोग यहाँ मेन्यू देखने के लिए लगे हुए हैं। मैंने ऑर्डर दिया है बर्गर शेक का, ऐसा लगा मेरा मजाक। क्या डिसाइड कर रहे हो? मैंने कहा ले लो रेडी। ये किसी का ऑर्डर आया हुआ है तो ये इन्हीं पे नजरें जमाए हुए हैं। क्या ऑर्डर किया है? दिस व्हाट दिस? ये है फास्ट फूड फैमिली डील है, इसके अंदर चार जिंगर बर्गर और चार फ्राइड चिकन पीस। अच्छा, ये ऑथेंटिक एशिड फूड से हमने यहाँ ऑर्डर किया है। फाइनली हमारा ऑर्डर डिसाइड हो चुका है। ये यहाँ इनकी फूड गैलरी की सीटिंग है, काफ़ी खूबसूरत। तो ये माना माल का व्यू चेक करें बाहर से। हम लोग इसके टॉप फ्लोर पे आ चुके हैं और ये कह रहे हैं कि मेरी वीडियो बनाएं। ये हम हैं, ये हमारा ऑर्डर है और ये हमारी पार्टी है। वो सामने मैकडॉनल्ड में हमारा आइसक्रीम का ऑर्डर तैयार हो रहा है। खाना भी खा लिया, आइसक्रीम इंजॉय कर लिया, और हमारा बेसिकली मूवी का भी प्लान था, तो मूवी यहाँ कुछ हमें खास पसंद नहीं आई, तो फिर हमने मूवी का कैंसिल किया और अब हमारी यहाँ से वापसी है। ज़रा आज आपको कैसा दिन लगा आज का? रिफ्रेशिंग डे था, काफ़ी देर बाद हम इकट्ठे हुए दोबारा, तो मज़ा आया। इट वॉज ऑल फन, क्योंकि रोज रोज अब हम इकट्ठे नहीं हो सकते, जब होते थे तब भी इतना ही फन करते थे, अब जब काफ़ी देर बाद मिले हैं तो ज़्यादा कर रहे हैं, ज़्यादा मज़ा आ रहा है। हमारी यहाँ पे अब वापसी, सबको गुड बाय कहते हैं। चला नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।